Hello children, welcome in our English class. It is our chapter 5, the magpies lesson part 3. In our previous part we have covered our chapter 5. Now we will see exercise on this chapter. Read and understand. Question A. Tick the correct answers. First, the eagle flew away because it. ईगल जो है उड़ गया था क्यों लेट्स सी द ऑप्शंस ए वाज बोर्ड वो बोर हो गया था बी वांटेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन टॉप ऑफ क्लिफ उसे चट्टान के ऊपर अपना घोंसला बनाना था एंड सी वाज टू प्राउड तो क्यों उड़ गया था ईगल बिकॉज ही वांटेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन टॉप ऑफ अ क्लिफ तो अपना घर टिक करना है डी ऑप्शन क्या राइट देन सेकेंड द ओरियल डिसाइडेड टू बिल्ड इट्स नेस्ट ओरियल ने कहाँ उसका नेस्ट बनाने का डिसाइड किया था ऑप्शन ए इन अ ट्री बी ऑन अ पैन एंड सी इन द टॉल ग्रास तो कहाँ बनाना डिसाइड किया था ऑप्शन ए इन अ ट्री राइट तो यहाँ पर आपको टिक करना है देन थर्ड वन द विप वर्ब विल is called lazy because whippoorwill जो है उसे lazy bird कहा जाता है क्यों because options are a never makes a nest b lays its eggs in the nest of another bird and c never lays eggs तो ये जो whippoorwill bird है वो उसे lazy कहा जाता है क्योंकि वो कभी भी अपना nest नहीं बनाता है never makes a nest So take here. Then fourth, an owl lays its eggs. एक जो owl जो है वो अपने egg कहाँ पर देता है? Options A in a rose bowl nest, B on top of a tree and C in a log. तो ये जो owl है वो भी एक lazy bird है वो खुद का घोंसला बनाता है क्या नहीं तो वो क्या करता है अपने जो egg है वो कहाँ देता है क्रो का जो ओल्ड नेस्ट होता है वहां पर देता है सो टिक हियर इन अ क्रोस ओल्ड नेस्ट देन फिफ्थ द रॉबिन डिसाइडेड टू रॉबिन बर्ड ने क्या डिसाइड किया था ऑप्शन ए फॉलो द मैगपाइज इंस्ट्रक्शंस बी कवर इट्स बेबीज विथ इट्स विंग्स एंड सी बिल्ड इट्स नेस्ट इन अ हॉलो तो रॉबिन बर्ड ने क्या डिसाइड किया था कि वो नेस्ट तो बनाएगा लेकिन उसके ऊपर डोम नहीं बनाएगा तो वो क्या करेगा अपने बेबीज को अपने विंग्स से कवर कर लेगा सो यू हैव टू टेक हियर इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन बी ओके क्वेश्चन बी आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट व्हाई इज द मैगपाई कॉल्ड अ वाइज बर्ड मैगपाई को वाइज बर्ड क्यों कहा जाता है The magpie is called a wise bird because long ago it was the only bird in the whole world that knew how to build a nest. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैगपाई को ही पता था कि नेस्ट किस तरह से बनाया जाता है इसलिए मैगपाई को वाइज बर्ड कहा जाता है Second, how many birds gathered to listen to the magpie's instructions? Name them. मैगपाई का जो लेसन था वो सुनने के लिए वहाँ पर सीखने के लिए नेस्ट किस तरह से बनाया जाता है ये सीखने के लिए कौन कौन से बर्ड्स आए थे उनके नाम ऑल द बर्ड्स इन द वर्ल्ड गैदर्ड अराउंड द मैगपाई टू लर्न हाउ टू बिल्ड नेस्ट वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स हैं वो पूरे बर्ड्स मैगपाई का लेसन सीखने के लिए आए थे कि नेस्ट किस तरह से बनाना है दीज बर्ड्स वेयर द ईगल लार बोबोले ओरियल आउट व्हिपपोरविल रॉबिन रेडबिल्स क्रो एंड स्वर ये जो बर्ड्स हैं ये पूरे कहाँ आए थे जो लेसन है मैगपाई का वो सुनने के लिए आए थे थर्ड व्हाई डिड ऑल द बर्ड्स फ्लाई अवे विदाउट लिसनिंग टू द होल लेसन ये जो सारे बर्ड्स हैं वो मैगपाई का पूरा लेसन बगैर सुने ही वहां से क्यों निकल गए द बर्ड्स फ्लू अवे विदाउट लिसनिंग टू द होल लेसन
because each one thought they had a better idea on how to build a nest. क्योंकि ये जो सारे birds हैं उनको ऐसे लग रहा था कि उनके पास magpie से भी better idea है कि किस तरह से वो nest बना सकते हैं. इसलिए वो सारे पूरा lesson बिना सुने ही उड़ गए. Question C. Each bird decided to do something different. Write what each bird did and why. सभी बर्ड ने क्या डिसाइड किया था कि कुछ अलग करना है. तो यहाँ पर ये हमें क्या करना है, जो बर्ड्स के नेम दिए हैं तो उन्होंने क्या किया और ऐसा क्यों किया, ये हमें ये चार्ट कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले है ईगल. ईगल ने क्या किया था, व्हाट इट डिड. She built her nest on the highest cliff of the mountain. Mountain की ऊंची चट्टान पर उसने अपना nest बनाया था. Why? Because she said that she would not build her nest in a tree or a valley. उसका कहना था कि वो अपना nest ना तो tree पर बनाएगी और ना ही उस valley में बनाएगी. तो it would be on the highest cliff of the mountain. उसका nest कहाँ होना चाहिए, ऊंची चट्टान पर, माउंटेन की ऊंची चट्टान पर होना चाहिए, ऐसा ईगल का सोचना था. सेकंड ओरियल. ओरियल ने क्या किया था, व्हाट इट डिड. शी हंग हर नेस्ट फ्रॉम लिटिल ट्विग्स एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग ब्रांच. एक जो ब्रांच है उस ब्रांच के पॉइंट पर आगे उसने क्या किया, उसका अपना नेस्ट जो है हंग कर दिया, टांग दिया था. क्यों, because she did not want to set the nest on a branch because she thought that a strong wind would blow her nest away. वो ब्रांच के ऊपर अपना नेस्ट नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि हवा का झोंका आएगा तो उसके साथ वो नेस्ट जो है उड़ जाएगा. इसलिए उसने क्या किया था, अपना जो नेस्ट है उसे एक टहनी के साथ हंग कर दिया था, टांग दिया. ने क्या किया, व्हाट इट डिड. शी लेड हर एग इन अ होलो इन द ग्राउंड और इन अ लॉग. जमीन के बीच में जो एक होल होता है या फिर लॉग के बीच में जो एक नेस्ट की जैसे हो जाता है, स्पेस होता है, तो उसने वहां पर अपने एग दिए. क्यों, व्हाई, बिकॉज शी वाज अ वेरी लेजी बर्ड. कैसा है ये, विद पुअर विद. She was a very lazy bird. बहुत ही lazy bird है and did not want to take the trouble of building a nest. यानी उसे कोई भी efforts नहीं डालने थे एक nest बनाने के लिए. उसे without any trouble, without any efforts वहाँ पर nest में egg देने. तो उसने क्या किया, खुद का ऐसा nest नहीं बनाया. तो वो कहाँ egg देने लगा, hollow in the ground or in a log. Got it? Owl. What it did? Owl ने क्या किया? She lay her eggs in a crow's or a hawk's old nest. Owl क्या करता है? अपना जो egg है वो कहाँ देता है? जो crow का पुराना nest होता है, crow का या hawk bird का जो पुराना nest होता है, उसमें वो अपने egg देता है. क्यों? Why? Because she did not want to go to all the trouble of building nest. जिसे भी इन सारे जो परेशानियां हैं वो नहीं झेलनी है नेस्ट बनाने के लिए, कितना एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो वो सब उसे नहीं करना है. इसलिए वो क्या करता है, अपने जो एग है कहाँ देता है, क्रो या फिर हॉक के जो पुराने नेस्ट होते हैं उसमें देता है. देन रॉबिन, व्हाट इट डिड. शी डिड नॉट बिल्ड अ डोम ओवर हर नेस्ट. उसने अपने नेस्ट के ऊपर डोम नहीं बनाया था. व्हाई, शी थॉट शी कुड कवर हर लिटिल वंस विथ हर विंग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रेन. वो क्या सोच रही है कि वो अपने बेबी को कैसे बचाएगी, अपने विंग्स से कवर करके उसे प्रोटेक्ट कर लेगी बारिश से या फिर कुछ भी एनिमीज वगैरह होते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने बेबी को विंग्स से कवर कर लेगी. देन स्वॉलो, व्हाट इट डिड. शी बिल्ड हर नेस्ट ऑन बेड विंग्स ऑफन अंडर अ रूफ और अ विंडो लेज. Offer built their under roofs of open barns and inns. जो गोडाउन वगैरह होते हैं या विंडो की निचली साइड होती है, ऐसे कहीं पर भी जहाँ पर छत है उस छत के नीचे
ये क्या कर रहे हैं, अपने नेस्ट दे रहे हैं, जो स्वैलो बर्ड है वो वहाँ पर अपना नेस्ट बनाते हैं, वहीं गोडाउन के नीचे कोई लकड़ी का घर होता है या फिर विंडो के नीचे की जो स्पेस होती है वहाँ पर वो अपना नेस्ट बनाते हैं, उसमें एक देते हैं। व्हाई? बिकॉज शी फेल्ट देयर वॉज नो नीड टू बिल्ड अ डोम बिकॉज देयर वेयर ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ देम। बिकॉज वो ये सोच रही है, स्वैलो सोच रही है कि बहुत से छत होते हैं ऑलरेडी, तो उसके छत के नीचे ही जाकर अगर हम नेस्ट बनाते हैं तो डोम बनाने की जरूरत नहीं है। मैगपाई, द मैगपाई इंस्ट्रक्टेड एवरीवन ऑन हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट। She built her nest with sticks and mud on top of high tree, covered it with her dome and made it comfortable and cozy. ये जो magpie bird है, ये इसने अपना जो nest है वो sticks और mud के साथ बनाया है, इसे dome से cover भी किया है और एक perfect ऐसा उसका आरामदायी सूखा हुआ है ऐसा उसका एक nest बनाया हुआ है। Why? Because She was the only bird in the world at that time who knew how to build a nest. Because उस समय सिर्फ मैगपाई एक ही ऐसा बर्ड था कि उसे पता था कि एक आरामदेह घर किस तरह से बनाया जाए, तो इसलिए इसने विथ डोम बहुत ही अच्छा सा इसे नेस्ट बनाया था। क्वेश्चन डी, डिस्कस इन क्लास। फर्स्ट, डू यू थिंक द मैगपाई वॉज रियली वाइज? Give reason for your answer. क्या आप ऐसे सोचते हैं कि मैगपाई सच में बहुत ही होशियार है और है तो इसके लिए क्या रीजन है बताइए। Yes, I think that the magpie was really wise. Because many years ago she was the only bird who knew how to build a nest. All the birds approached her and begged her to teach them how to build a nest. She knew how to make a safe, सिक्योर एंड कम्फर्टेबल नेस्ट। हाँ, ये जो मैगपाई बर्ड है ये सच में होशियार है, क्योंकि सालों पहले से मैगपाई को ही पता था कि किस तरह से नेस्ट बनाना चाहिए और सारे बर्ड्स उसके पास जाते हैं, उसे याचना करते हैं कि किस तरह से नेस्ट बनाना चाहिए, हमें भी सिखाइए। तो मैगपाई सब बर्ड्स को क्या सिखाता है कि किस तरह से एक सेफ, सिक्योर और कम्फर्टेबल नेस्ट बनाना चाहिए, इसलिए जो मैगपाई है सच में वाइज बर्ड है। सेकेंड, हाउ डिड द मैगपाई कंटिन्यू हर लेसन इवन दो ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे वन बाय वन। जब एक के बाद एक करके सारे बर्ड्स उड़ गए, लेकिन उसके बाद भी मैगपाई ने अपना लेसन कंटिन्यू रखा, उसने नेस्ट बनाना कंटिन्यूअसली रखा। क्यों? द मैगपाई कंटिन्यू हर लेसन इवन दो ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे वन बाय वन बिकॉज शी वॉज अ वाइज एंड हेल्पफुल बर्ड। वो ऐसी थी, बहुत ही होशियार और हेल्पफुल नेचर की थी, एंड वॉन्टेड टू टीच अदर्स द आर्ट ऑफ बिल्डिंग अ नेस्ट। और उसे लगता था कि सबको ये आर्ट सिखाया जाए कि नेस्ट किस तरह से बनाना चाहिए। शी वॉज सो इन्वॉल्व इन बिल्डिंग हर ओन नेस्ट and instructing at the same time that she hardly noticed that all the other birds had flown away. वो अपना घर बनाने में और instructions देने में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई थी कि वो उसने शायद ही notice किया होगा कि सब birds जो है वहाँ से निकल कर जा रहे हैं। She liked to do her work as thoroughly as possible and was happy doing it. वो बहुत ही बारीकी से अपना जो काम है वो पूरा कर रही थी। Question D. Do you think the other birds were grateful for the magpie's lesson? Give reason for your answer. क्या आप सोचते हैं कि बाकी जो बर्ड हैं वो पूरे मैगपाई के लिए मैगपाई के आभारी थे या फिर उससे उसके लिए थैंक्सफुल थे? अगर नहीं तो क्यों है तो क्यों? Let's see. I do not think that the other birds were grateful for the magpie. मैगपाइज लेसन, मुझे नहीं लगता है कि सारे बर्ड जो है वो जो मैगपाई को है थैंक्स या ग्रेटफुल ऐसे मानते हैं। क्यों? ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे एंड लेफ्ट मिसेस मैगपाई। सारे बर्ड्स जो है उड़ गए थे और मैगपाई को छोड़कर निकल गए थे विदाउट सो मच एज थैंकिंग हर, बिना उन्हें उसे थैंक्स किए, किसी ने
सभी ने अपना खुद का नेस्ट अपने हिसाब से बनाया, जो उनको अच्छा लग रहा था, सुहावन लग रहा था, इस तरह से उन्होंने अपने खुद के हिसाब से अपना नेस्ट बना लिया था। तो इस तरह से ये जो सारे बर्ड्स हैं ये ग्रेटफुल या थैंक्सफुल थे क्या मैगपाई के लिए? वर्ड वाइज क्वेश्चन की रेट दिस कॉमन एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू बर्ड्स मैच देम विद देयर मीनिंग। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कुछ हाव भाव दिए हुए हैं रिलेटेड टू द बर्ड, बर्ड से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन हैं वो दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है वो उनके मीनिंग के साथ मैच करके। फर्स्ट, एज फ्री एज अ बर्ड, बर्ड जैसे फ्री होता है, जब चाहे उड़ता है, तो बर्ड के जैसे फ्री होना, इसका मीनिंग क्या है? एज फ्री एज अ बर्ड मीन्स कम्प्लीटली फ्री टू डू एज वन वॉन्ट, यानी खुद को जो भी करना है वो करने के लिए पूरी तरह से फ्री होना। सेकेंड, एज वाइज एज है आउल, उल्लू की तरह, आउल की तरह होशियार होना, इसका मतलब है वेरी वाइज, वेरी वाइज यानी एज वाइज एज है आउल। थर्ड, एज प्राउड एज अ पीकॉक, पीकॉक को जो है खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होता है, घमंड होता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होता है, वो बहुत अच्छे से नाचता है, इसलिए वो बहुत खुद को प्राउड फील करता है। एज प्राउड एज अ पीकॉक, इसका मतलब है वेरी प्राउड, बहुत ज्यादा प्राउड फील करना, बहुत ज्यादा घमंड होना। तो एज प्राउड एज अ पीकॉक मीन्स वेरी प्राउड। देन फोर्थ, टू क्लिप समवंस विंग्स, यानी किसी के पर जो है काटना, पर को काटना, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग समवन अंडर कंट्रोल, यानी किसी को कंट्रोल में रखना, कोई है ऐसे कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उसे कंट्रोल में रखने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, टू क्लिप समवंस विंग्स। फिफ्थ, अ फेदर इन समवंस कैप, किसी कैप में फेदर होना, पंख होना, इसका मतलब है एन अचीवमेंट, यानी किसी ने कुछ अचीव कर लिया है तो उसके कैप में जो है फेदर डाल देना। Now filling the blanks using the expressions above. अभी अभी हमने जो expressions देखे हैं वो use करके हमें यहाँ पर filling the blanks use करते हैं। You may need to change some of the words. वो जो expressions के word हैं उनमें से कुछ हम change करके यहाँ पर ये sentences जो है complete कर सकते हैं। First, the exams are over. Now I feel as free as a bird. Exam खत्म होने के बाद हम क्या कैसे feel करते हैं? बर्ड की तरह एकदम फ्री, यानी कि हमें कोई भी पाबंदी नहीं रहती, स्टडी करो, ये करो, वो करो, यानी एकदम माइंड फ्रेश, ऐसे फ्री लगता है हमें। तो नाउ आई फील एज फ्री एज अ बर्ड। देन सेकंड, माय ग्रैंडफादर नोज एवरीथिंग, मेरे ग्रैंडफादर को हर एक चीज पता है, ही इज एज वाइज एज एन आउल, वो एक आउल की तरह बहुत होशियार है। आउल देखा है हमने, आउल कैसे होशियार होता है, वो खुद का खुद एफर्ट्स नहीं डालता है, तो जो पुराना क्रोका वगैरह नेस्ट होता है उसमें उस नेस्ट में अपने एग्स डालता है, तो खुद एफर्ट्स ना डालते हुए किसी दूसरी चीज यूज करता है, यानी खुद को परेशानी से बचाता है। तो आउल की तरह होशियार होना है एज वाइज एज एन आउल। थर्ड, माई ब्रदर गॉट डैश व्हेन ही वन अ प्राइज इन द ड्रामा कॉम्पिटिशन, माई ब्रदर गॉट फेदर इन हिज कैप, उसके कैप में फेदर डाला, उसके कैप में क्या डाला था, फेदर कप, व्हेन ही वन अ प्राइज इन द ड्रामा कॉम्पिटिशन, जब उसने ड्रामा कॉम्पिटिशन में प्राइज जीता था। फोर्थ, अवर क्लास मॉनिटर हैज बिकम वेरी बॉसी, मेरा क्लास का मॉनिटर जो है वो बहुत ही बॉसी है, सो द टीचर डिसाइडेड टू क्लिप हिज वेंग्स, तो टीचर ने क्या डिसाइड किया कि उसके पर काटना, यानी उसे कंट्रोल में रखना। फिफ्थ, माय सिस्टर हैज बिकम डैश एवर सिंस शी वॉन द नेशनल डांस कॉम्पिटिशन, माय सिस्टर हैज बिकम एज प्राउड एज अ पीकॉक एवर सिंस शी वॉन द नेशनल डांस कॉम्पिटिशन। मेरी सिस्टर जो है वो बहुत ही घमंडी हो गई है, कब से, जब से उसने नेशनल डांस कॉम्पिटिशन जीता है। क्लिक एंड चूज सेवन वर्ड्स
connected with the word in this word search. Word, word से related कुछ 7 words हमें यहाँ पर क्या करने हैं, search करके उन्हें circle बनाना है. Let's see, feather, F-E-A-T-H-E-R, feather मतलब पंख. N-E-S-T, nest, घोंसला. C-L-A-W, claw यानी पंजे. E-G-G-S, egg, अंडे. Then B-E-A-K, big, चोच. B-I-R-D, bird, पंछी. F-L-I-G-H-T, flight, उड़ान. Then W-I-N-G, wing, यानी पंख. Okay, here we have covered some part of exercise and the remaining part of exercise we will see in our next part. Meanwhile, you have to read this question answers carefully and write it in your textbook. You have to write question one time and answers 3 times. Thank you.